रायबरेली के ऊंचाहर विकास खंड में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। ग्राम प्रधान ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य अधिकारियों से की है। मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी ने मामले की जानकारी न होने की बात कही तो एपीओ ने पुराने विकास कार्य का भुगतान होने की बात कही है। हालांकि मामले की भनक लगते ही अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की बहुद्देशीय योजना मनरेगा में फर्जीवाड़े का ये मामला ऊंचाहार की बहरवा ग्राम पंचायत का है, जिसमें ग्राम प्रधान बबलू द्वारा ये दावा किया गया है कि मनरेगा योजना से 14 फरवरी 2023 को 1,83,000 रुपयों का भुगतान कर दिया गया, जिसमें एक फर्म का बाउचर लगाया गया है। बाउचर अप्रैल 2022 का दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान का दावा है कि उसके संज्ञान में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसका उक्त भुगतान बिना उसको जानकारी दिए कर दिया गया है। आपका क्या समस्या है? समस्या ये है भैया कि हमारे यहाँ जो इंटरलॉकिंग का भुगतान किया गया कितना है? 1,00,000 1,83,000 जो आपके संज्ञान में है कि किस काम का भुगतान हुआ? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं। आप उसमें ग्राम सभा में काम नहीं हुआ? मेरे ग्राम सभा में काम नहीं। तो इसकी शिकायत आपने किससे की? मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप। मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी महेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, फाइल दिखवाकर जानकारी दे पाएंगे। जबकि इसी प्रकरण में एपीओ आकांक्षा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्य पुराने कार्यकाल के वर्ष 2018 में कार्य करवाया गया था, जिसका किसी तकनीकी खराबी की वजह से भुगतान नहीं किया गया था। उसी कार्य का अब भुगतान हुआ है, हालांकि ये जाँच का विषय है। रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट, सारा समय लाइव टीवी।